काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होने तक देश के उन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के छात्रावासों में निःशुल्क रहने की अनुमति प्रदान की है जो फिलहाल बीएचयू परिसर में ही रह रहे हैं तथा अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं। सामान्यतः कोर्स पूरा होने पर विद्यार्थियों को हॉस्टल खाली करना होता है और तय अवधि से अधिक रहने पर गेस्ट शुल्क का भुगतान करना होता है। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति के मद्देनज़र विद्यार्थियों के हित में यह निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर SVS राजू ने बताया कि कोर्स पूरा करने वाले विद्यार्थियों को हॉस्टल छोड़ने पर वापस बांग्लादेश जाने में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और वे स्थिति सामान्य होने तक छात्रावासों में रह सकते हैं। प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। इनमें बड़ी तादाद में बांग्लादेशी विद्यार्थी भी होते हैं जिनमें से अधिकतर BHU के छात्रावासों में रहते हैं। ये BHU गवर्नमेंट की तरफ से जो ये निर्णय लिया गया है, आप लोगों को जैसे 40 छात्र जो है पास हो गए और हॉस्टल में तो छोड़ना था, लेकिन जो अभी घटना घटी है वहाँ पर, इस बारे में क्या क्या BHU आपको फैसिलिटीज दे रही है? बांग्लादेश में अभी जो प्रॉब्लम हुआ है वो जो वायलेंस हो रहा है उसमें बांग्लादेश में जब स्टूडेंट जाएंगे तो बहुत ही दिक्कत होगा उससे, इसलिए BHU के जो ये सपोर्ट है इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद जनाएंगे, क्योंकि अब बांग्लादेश के स्टूडेंट जा नहीं पाएंगे, जाएंगे तो बहुत, अब सरकार भी नहीं है बांग्लादेश में, इसलिए बहुत ही दिक्कत होगा। और बांग्लादेश में अभी आज थोड़ा सा ठीक है, तो कल बहुत ही दिक्कत हो रहा था, कल बहुत ही बुरा हाल था बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री था वो इस्तीफा ले लिया, इसलिए बहुत ही दिक्कत है। आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है? मेरा पढ़ाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं BA Honors में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ अभी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज आपको दी जा रही है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम तो अभी इंटरनेशनल BHU जो है न्यू इंटरनेशनल कॉलेज स्टूडेंट रहते हैं, और जो अभी साल जिसका ख़त्म हो गया है कोर्स वो अभी चले जाते हैं, तो बीच में जो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बीच में बोला गया है कि जिसका कोर्स ख़त्म हो गया है इसको अभी कुछ समय तक रहने के लिए दिया जाएगा, जितने दिन तक बांग्लादेश में ठीक नहीं होता है। क्योंकि आप बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, जैसे शेख हसीना 15 साल वहाँ पर जो है राज की थी, एकाएक ऐसा तख्ता पलट में क्या ऐसी कमियाँ थी वहाँ पर, कुछ ऐसे बता सकते हैं? नहीं, पहले तो कोटा आंदोलन हो रहा था, फ्रीडम फाइटर्स जो है उसे 30% कोटा दे रही थी, तो इसलिए जो टैलेंटेड स्टूडेंट रहता था उससे जॉब नहीं मिल रही थी ना, वो इसलिए जो टैलेंटेड जो जनरल स्टूडेंट था वो कोटा आंदोलन के कोटा के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, तो उसके बाद जो चलते समय में जो बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए उसके लिए जो प्रधानमंत्री था इसके लिए प्रोटेस्ट किया। वहाँ पर सेना इस समय जो है सरकार को संभाल रही है, क्या लग रहा है कि आने वाले समय शेख हसीना फिर से वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनेंगी? ऐसा तो नहीं लग रहा है अभी जो हाल है बांग्लादेश का, क्योंकि सेना भी है और जो ज़्यादा स्टूडेंट जिस शरण लोग है सब सारा ठीक, कोई नया आए और देश को अच्छे शांति से। Last night, some terrorists attacked a village which is located my house to 7 kilometer distance. They attacked and burned minimum 100 family. So now the situation. How many people died in Bangladesh? Not died, but just killing, just how do I say, just burning the house, temple, and they. Declared even more and go you have to go out outside in Bangladesh and that's Banaras Hindu University, which types of facilities providing you? They provide the university provide stipend per month 6,000, that's